seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं इंटरनल एग्जाम से अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी सो नाउ द एग्जाम टाइम हैव स्टार्टेड एंड आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर्स सो आई एम नाउ सिटिंग हियर मैम चेक आउट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पेपर सही से मिले कि नहीं और सर यहाँ पर बैठे हैं एंड एज वी हैव डिसाइडेड टू टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन सेशंस दैट वाज इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून सेशन सो वी आर इन द मॉर्निंग सेशन नाउ हमने स्टूडेंट्स की ही लेनी होती है सो से दिखी मैम अभी फर्स्ट ईयर की ही ले रहे थे एंड नाउ मैंने सेकेंड ईयर की प्रेजेंटी ले ली है एंड ए छोटा सा वीडियो कैप्चर कर लिया था सो नाउ फ्रॉम हियर सेकेंड डे इंटरनल एग्जामिनेशन वॉज स्टार्टेड और मैंने स्टूडेंट्स के जो सारे मोबाइल फोन्स थे फिर से आज कलेक्ट करके अपनी टेबल पर रख लिए थे सो दे वे आर अपसेट फ्रॉम मी कि मैम बहुत स्ट्रिक्टली एग्जामेशन कंडक्ट करते हैं सो इट वॉज द मॉर्निंग सेशन सो अब जो हमने सेकेंड uh, ईयर के स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्रा पेपर थी उसके लिए वन आवर का ब्रेक दिया हुआ था सो so इंटरवल भी देनी होती है स्टूडेंट्स को एंड हमें लाइब्रेरी जाना था कुछ बुक्स लेनी थी एंड कुछ बुक्स रिटर्न करनी थी डेट्स वाई आई एम कंटिन्यूइंग द सेकेंड सेशन फ्राम हेयर सेकेंड सेशन स्टार्ट भी हो चुका है एंड एंड भी हो चुका है मैंने अब जाना था लाइब्रेरी बुक्स कलेक्ट करने के लिए और कुछ बुक्स रिटर्न भी करनी थी हमें सो so, हम जा रहे हैं यहाँ पर आ, जो हमारा लाइब्रेरी स्टार्ट हो चुकी है एंड ये हमारे लिए फूल बिछाए हुए हैं यहाँ पर इट्स पार्ट ऑफ जो सो एट द लेफ्ट साइड हेयर इज़ द व विंडो सेक्शन अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स आई कार्ड एंड टोकन कार्ड प्रोसेसिंग एंड यहाँ पर है कंप्यूटर डिपार्टमेंट की क्लासेज और आगे है मामा बैठे हुए हैं लाइब्रेरी के और वो कह रहे हैं कि ये वीडियो क्यों कैप्चर कर रहे हैं सो वाकमारे सर उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड यू कैन सी बॉटेनिकल गार्डन यहाँ तक एक्सटेंड uh, हुआ है एंड विद द नेम ऑफ स्पेसीज एंड इतनी सारी वेरिएशन है प्लांट्स की सो so, मैंने आपको मेरे uh, पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ तक लाइब्रेरी तक ये बोटेनिकल गार्डन है एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन आवर लाइब्रेरी सो हियर इज़ द नेम ऑफ़ आवर लाइब्रेरी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ग्रंथालय और uh, हमारे टाइम की पूरी याद आ चुकी है वो ग्रंथालय में हम लोग किस तरह से एंटर करते थे और यहाँ पर एक मैम बैठे हुए रहते हैं हमेशा और ये है बॉयज़ सेक्शन और यहाँ से एंट्री है गर्ल्स सेक्शन की और मैम लोग यहाँ पर भी बैठे हुए रहते हैं और ये मैम थी जो मैंने एंट्री पर बताया आपको वो बहुत टोकते थे हमें ग्रेजुएशन टाइम पर कहते थे कि बोलू न कग तुम ही खूब बोलता और यहाँ से हमारा जो बुक्स का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है जूलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स एंड ऑल सब बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर एंड हीयर इज़ दिटिंग अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स यू कैन सी हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पर हम लोग बहुत बातें करते थे यहाँ पर और मैडम हमें बहुत डांटते थे और आप लोग देख सकते हैं uh, गर्ल्स यहाँ पर कितनी सिंसियरली स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत कम स्टूडेंट्स हैं हमारे टाइम पर हम लोग बहुत स्टडी करते थे यहाँ और जहाँ पर आप देख रहे हैं स्लोगन्स लगे हुए हैं स्टार्टिंग में ही और इधर साइड से भी आपको स्लोगन्स दिख रहे हैं एंड uh, यहाँ मैडम होते हैं बैठे हुए जो कि कंप्यूटर का काम हैंडल करते हैं और बहुत से चेंजेस हो चुके हैं लाइब्रेरी में आ, हमारे टाइम नहीं थे इतने सारे चेंजेस सो so अच्छा लगा देखकर एंड इज़ अवर लाइब्रेरियन मैम जो कि बहुत स्ट्रिक्ट uh, है नेचर और होना भी चाहिए बुक्स के लिए बहुत सीरियसली ये वर्कआउट करते हैं लाइब्रेरी में एंड uh, यहाँ पर है हमारा लाइब्रेरी सेक्शन पीजी के जो बुक्स होते हैं हम यहाँ से लेते हैं एंड uh, यहाँ पर कैमरा अवेलेबल है लगा हुआ है हर साइड में एंड uh, मैम से हमने अभी बुक्स रिटर्न कर दी है एंड यहाँ पर एंट्री करनी होती है टीचर्स की सो so अभी सीधी ही मैम एंड वाघमारे सर कर दिए हैं एंट्री नाउ मेरी बारी है सो so मैं भी यहाँ पर एंट्री कर रही हूँ एंड अब हम जा रहे हैं वापस सो so हमने जो बुक्स लेनी थी वो सर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर सो so मुझे डिपार्टमेंट से लेनी होगी और यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में पीजी के स्टूडेंट्स बैठते हैं एंड यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है एंड दिस इज़ दी सजेशन बॉक्स कंप्लेंट बॉक्स और ये जो मैम है हमारे कंप्यूटर के उनकी ये व्हील है वो बहुत हमें बातें करते थे ग्रेजुएशन टाइम पर एंड नाव वी आर गोइंग बैक टू अवर डिपार्टमेंट और बोटेनिकल गार्डन माशा से बहुत अच्छा लग रहा है सारे प्लांट्स ग्रीन हो चुके हैं और uh, इनके विथ uh, स्पेसिस के जो नेम है यहाँ पर नेम प्लेट्स अभी तक अवेलेबल uh, है एंड यू कैन सी दिस इज दीविंग मीन्स के कंप्यूटर डिपार्टमेंट का सेक्शन है पूरा एंड दिस इज़ दी लाइब्रेरी जहाँ पर हम लोग गए थे अभी एंटर किए थे एंड यहाँ से मैं आपको जाते हुए बताऊँगी जूनियर कॉलेज का जो सेक्शन है आ, दिस इज़ फ्रॉम हीयर यहाँ पर भी बहुत से प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये कॉलेज का कैंपस है माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत रौनक होती है और ये कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट है सीविंग एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी एग्जाम्स वगैरह चल रही हैं सो so अभी भीड़ है यहाँ पर स्टूडेंट्स की और uh, अब हम जा रहे हैं यहाँ से फ्रंट साइड में प्रिंसिपल का ऑफिस है एंड यू कैन सी फ्रॉम हीयर इस नारियो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से यहाँ पर और दिस इज़ दी जूनियर कॉलेज योगेश्वरी महाविद्यालय एंट्री एंड हम लोग जा रहे थे तो सर मिल गए और कहने लगे मैम यहाँ पर भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी लेकिन मुझे आप लोग को बताना था लाइब्रेरी एंड कैंटीन सेक्शन बट मैंने सोचा आप लोग को कैंपस भी बताती चलूँ सो so, यहाँ से है हमारा जो एंट्री गेट है कॉलेज का और यहाँ से लेफ़्ट साइड पर टर्न होने के बाद जुलॉजी डिपार्टमेंट एंड बॉटनी डिपार्टमेंट की एंट्री है एंड राइट साइड को यहाँ पर लेडीज़ डिपार्टमेंट है मींस के लेडीज़ रूम वगैरह सो so, वी आर एंट्रियंग इन अवर जुलॉजी डिपार्टमेंट नाउ और हम लोग को कुछ बुक्स वगैरह साथ ले लेनी है सो so वो लेंगे एंड हमारे पर्सेज़ वगैरह यहीं पर थे सो so, हमने वो ले लिए हैं नाउ वी आर गोइंग टू द कैंटीन सेक्शन फ्रॉम हियर और यहाँ पर है नोटिस बोर्ड जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं या फिर एग्ज़ाम्स वगैरह के जो रूटीन होता है वो भी टाइम टेबल के साथ दिया हुआ होता है और यहाँ से एडमिन एंड क्लर्क डिपार्टमेंट है राइट साइड पर और यहाँ लेफ़्ट साइड से हम लोग एंटर होते हैं कॉलेज में और एग्ज़िट भी यहीं से है यहाँ पर पार्किंग सेक्शन है मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में एंड यहाँ से हमारा कैंटीन एरिया है जो कि लेफ़्ट साइड से है पार्किंग एरिया के और राइट साइड पर जो छोटा सा एक प्ले ग्राउंड अवेलेबल है यहाँ पर गैदरिंग वगैरह होती है हमारे कॉलेज की एंड उसी के आगे संस्था का ऑफिस है यू कैन सी फ्रॉम हियर ये यहाँ पर जो आपका गेट नज़र आ रहा है रिक्रूटमेंट uh, होती है तो यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं और इसी के आगे प्ले ग्राउंड है बड़ा जहाँ पर क्रिकेट वगैरह फुटबॉल मैचेज एंड ये जो मॉर्निंग वॉक के लिए वगैरह आते हैं उन लोग के लिए भी अवेलेबल है ग्राउंड और वी हैव एंटर्ड इन अवर कैंटीन एरिया और हम लोग यहीं बाहर बैठेंगे आज कभी कभार हम लोग बाहर बैठते हैं बहुत रेयरली और uh, अभी वागमारे सर ऑर्डर देने जा रहे हैं बिकॉज हमें बहुत भूख लगी है हम जल्दी आ गए थे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करनी थी स्टूडेंट्स की इसलिए और लाइब्रेरी जाने की वजह से हमें लेट हो गया था सो so, हियर सुहास मामा जो कि हमारे कॉलेज की शॉप पर होते हैं जेरोक्स वग़ैरह देते हैं जो एंड वाघमरे सर उनसे डिस्कस कर रहे थे एंड uh, मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही थी सो so, <laughs> क्योंकि जो कलीग्स हैं मेरे उन्हें याद आती है कॉलेज की तो मैंने उन्हें भी कैप्चर कर लिया था वीडियो में एंड यू कैन सी आई एम सिटिंग हेयर और हमारा ऑर्डर अभी बना नहीं है बिकॉज हमने पोहे के लिए कहा है भूख लगी है सो हमने सोचा अच्छे से खा लें हम लोग बाहर इसलिए बैठे हैं अंदर स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे से वो कम्फर्टेबल नहीं होता हम लोग को बात करने के लिए एंड यहाँ पर अच्छा भी लगता है नेचर की जो वाइब होती है वो अच्छी लगती है एंड हमारा ऑर्डर अब आ चुका है और मामा आ रहे हैं लेकर एंड वी आर एन्जॉइंग गर्मा गर्म पोहा सो so, वाघ सर और मैं अपनी प्लेट शो आउट कर रहे हैं फ्रैंकली लेकिन सिद्धि ही मैम हाइड कर रहे हैं क्योंकि ये जो सारे टमाटर एंड प्याज आपको दिख रहे हैं इस पर वो उन्होंने साइड पर कर लिए सो कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है ऐसी प्लेट शो आउट करने और मुझे कहा था कि इसमें ऐड मत करना है व्लाग में लेकिन मैंने किया है क्योंकि हम लोग बहनों की तरह एंजॉय करते हैं एक दूसरे को सताते रहते हैं ज़्यादातर मैं ही सताती हूँ उनको और वो मुझे टॉलरेट करते हैं अलहदुल्ला से और अब हमारी चाय आ चुकी थी सो वी आर एन्जॉइंग इट सो यहाँ पर से है प्लेग्राउंड की एंट्री एंड यहाँ पर से है संस्था का ऑफिस और अब हम लोग जा रहे हैं बैक टू होम सो यहाँ से कैंपस एंड हो चुका है हमारे कॉलेज का सो हमारा कॉलेज कैंपस एंड लाइब्रेरी सेक्शन और जो कैंटीन है वो कैसा लगे हमें जरूर बताना कमेंट करके अल्लाह हाफिज फ्रॉम कॉलेज घर जाते हुए मुझे याद आया कि मेरी बेटी के लिए मुझे पेस्ट्रीज लेनी है सो मैं यहाँ पर रुक गई थी एंड uh, uh, मैंने पेस्ट्रीज ले ली है एंड uh, मैंने जो फ्लेवर्स लिए हैं आपको बता देती हूँ दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो और ये वाली जो लास्ट वाली है ये मुझे छोटी सी अच्छी लगी सो so ये भी ले ली मैंने एंड एक कप भी लिया था एंड uh, ये जो शॉप वाले भैया हैं उनसे मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड जो केक डेकोरेशन और सेलिब्रेशन uh, की शौकीन हैं उन लोग के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं एंड यू कैन सी एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो जजाक खैर अल्लाह हाफिज